जैसे कि आज की सीन में देखा आप बर्तन वगैरह धो रहे हैं, क्या आप वाइफ को इम्प्रेस कर रहे हैं, क्या है वो थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ हाँ, इम्प्रेस ही कर रहा हूँ क्योंकि जब हस्बैंड को कभी कभी बकने की आदत होती है तो वो कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं तो फिर ये एस्केप रूट नहीं होता, ये बचाव तंत्र होता है, दीज आर यू नो बचाव के टैक्टिक्स होते हैं कि ये करो, फिर यू नो घर के काम करो। और वैसे भी लॉकडाउन में देखिए हम सबने घर के काम तो सारे सारे मर्द जो है वो काफी सीख गए हैं। बट हाँ, ये सीन ऐसा था कि मैं बंधु को कुछ थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ। वो एक सीन है जहाँ पर अदालत वाला सीन है जो हमने अभी इनफैक्ट एपिसोड आज ही शुरू किया, तो उस एपिसोड के बारे में ज्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो एपिसोड हमने पढ़ा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो ब्रीफ मिला है उसमें यह है कि मैं वकील हूँ अथर्व का और उनकी मामी इनकी वकील है, तो मैं कुछ ज्यादा बोल देता हूँ तो फिर बर्तन धोने पड़ते हैं तो आप बताइए एज अ हस्बैंड कितना ख्याल रखते हैं आपका? राजबंधु का रिलेशनशिप इज वेरी मतलब लड़ाई झगड़े किस होते ही है बिल्कुल, बट काफी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। गलती करते हैं तो बर्तन धोते हैं तो एज ए इंडियन हस्बैंड बोलते क्या बीवियों के काम करने चाहिए या बीवियों से काम करवाने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल से ना घर का काम करना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाहर जाकर पैसा कमाना उतना मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो ना तो मर जो बहाना वाला था मैं काम करके आया हूँ तो ये नहीं होता, घर पे रहो और घर संभालो, दैट इज मोर डिफिकल्ट। मसाले की बात करें तो आगे ऑडियंस को कितना मसाला देखने को मिल सकता है? मसाला ही मसाला है। हाँ, हमारे एपिसोड ऑफ लेट जो कर रहे हैं हमें इतना मजा आ रहा है कि अगेन डूइंग एपिसोड्स दैट वी रियली एंजॉय, सो जी आई थिंक ऑडियंस को भी अच्छा। तो मागले की दुनिया के फैंस के लिए कुछ कहना चाहिए? बस यूं ही प्यार करते रहिए, सोमवार से शनिवार देखते रहिए मागले की दुनिया, मस्त रहिए, बस मस्त रहिए।